हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। आओ बनाते हैं बैटरी। बैटरी बनाने के लिए आप किन्हीं दो अलग अलग मेटल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा मेटल इस्तेमाल कर रहे हैं, बस दोनों अलग होने चाहिए। अब आपने दो अलग अलग मेटल का जुगाड़ कर लिया हो तो चलो बनाते हैं बैटरी। दो अलग अलग मेटल को केमिकल सॉल्यूशन डालने पर होती है केमिकल रिएक्शन, और ये केमिकल सॉल्यूशन होगा एक एसिड, जिसे इलेक्ट्रोलाइट भी बोल सकते हो। अब इस केमिकल रिएक्शन से निकलेंगे इलेक्ट्रॉन, जिनके हिलने डुलने से करंट पैदा होगा। उदाहरण के लिए कॉपर और सिल्वर के दो सिक्कों को अगर नींबू में घुसा दिया जाए तो माइक्रो एम्पियर मीटर में करंट जरूर शो होगा। यहाँ पर कॉपर और सिल्वर हो गए दो अलग मेटल, और नींबू में पाया जाने वाला एसिड बन गया इलेक्ट्रोलाइट। पर इस करंट का कोई भी फिजिकल यूज तो है ही नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यू है बहुत कम। लेकिन मजे की बात यह है कि घरों में इस्तेमाल की जाने वाली लेड एसिड बैटरी और आपके द्वारा बनाई गई नींबू से चलने वाली बैटरी, दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल सेम ही है। जरा मरा सा भी फर्क नहीं है। अब आपके दिमाग में आएगा एक सवाल, अगर दोनों बैटरी में कोई फर्क है ही नहीं तो घर वाली बैटरी चार्ज कैसे होती है? क्योंकि नींबू से बनाई गई बैटरी तो चार्ज ना होने वाली। चिंता मत करो, वहाँ भी आऊंगा। उससे पहले ये जान लो, अगर हम कॉपर और जिंक की प्लेट को सल्फ्यूरिक एसिड में डाल दें तो इससे होने वाली केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा होगी, और ये एनर्जी छोटे मोटे काम करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। अब देखो, नींबू की बैटरी से हम एक स्तर ऊपर आ गए हैं, करंट की वैल्यू थोड़ी बढ़ गई है, और इसके पीछे मुख्यतः दो कारण है। सल्फ्यूरिक एसिड नींबू में पाए जाने वाले सिट्रिक एसिड से ज्यादा बेहतर इलेक्ट्रोलाइट है, और दूसरा कारण है सल्फ्यूरिक एसिड में केमिकल रिएक्शन होने की गति। नींबू में पाए जाने वाले सिट्रिक एसिड की मदद से होने वाली केमिकल रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के मुकाबले धीरे होगी। चलो जी, इतना समय में आ गया तो अब बढ़ते हैं आगे। आज से लगभग 200 साल पहले इटली के महान वैज्ञानिक अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने दुनिया की पहली बैटरी बनाई थी, जिसका नाम था वोल्टिक पाइल, और इसे आप घर में भी बना सकते हो। करना ही क्या है, अभी बता देता हूँ। एक जिंक की प्लेट लो और तेज नमक के पानी में कपड़े को भिगोकर उस जिंक की प्लेट पर रख दो। उसके बाद रखो कॉपर की प्लेट और बना दो इसका एक टावर। लो जी, बन गई आपकी बैटरी। अलेक्जेंड्रो वोल्टा के द्वारा बनाई गई बैटरीज में से कुछ तो 6 फुट की लंबाई तक थी, पर इनसे जुड़ी थी एक बड़ी समस्या। इनका पावर आउटपुट था बहुत कम, और केमिकल रिएक्शन पूरा होने के बाद ये ना थी किसी भी काम की। पर ऐसा क्यों, अभी बताता हूँ। जैसा कि आप इस एक्सपेरिमेंट में देख सकते हो, थोड़े समय बाद जिंक की प्लेट केमिकल रिएक्शन की वजह से पूरी तरह से खराब हो चुकी है। लेकिन अपने को चाहिए एक ऐसी बैटरी जिसे हम बार बार चार्ज कर सकें, और क्योंकि हम इस तरह की बैटरी को चार्ज नहीं कर सकते, इसीलिए इन्हें प्राइमरी बैटरी का नाम दिया गया है, जिसका बहुत बढ़िया उदाहरण है ड्राई सेल। इस्तेमाल करो और उसके बाद फेंक दो, और अगर मेरी तरह खुराप आती हो तो ऑपरेशन कर लो। तो समस्या खड़ी हो चुकी है, और अब बारी है समाधान की। आखिर रिचार्जेबल बैटरी कैसे बनाए? तो इस समस्या को सुलझाया फ्रांस के महान वैज्ञानिक गैस्टान प्लांटे ने। उन्होंने 1859 में लेड प्लेट का आविष्कार करके बना दी लेड एसिड बैटरी, और दुनिया को पहली बार पता चला कि लेड प्लेट को इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में डालकर बार बार चार्ज और डिस्चार्ज किया जा सकता है। तो क्या लेड सल्फ्यूरिक एसिड में गलता नहीं है? हाँ जी, यही तो खास बात है इसकी। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि मैंने तो ये बताया था कि बैटरी बनाने के लिए दो अलग अलग मेटल प्लेट का इस्तेमाल किया जाएगा, पर यहाँ पर तो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में एक ही मेटल की प्लेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। चिंता मत करो, इसका भी जवाब दूंगा। अगर मैं लेड प्लेट को इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन या सल्फ्यूरिक एसिड में डाल दूं, तो आप पाओगे कि कोई भी रिएक्शन नहीं हो रही। बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बैटरी के प्रिंसिपल के आधार पर दो अलग अलग मेटल प्लेट का ही इस्तेमाल करके बैटरी को बनाया जा सकता है, तो कोई केमिकल रिएक्शन तो ना होने वाली। तो फिर ये चलेगी कैसे? भाई साहब, अब हम करेंगे ड्रामा, या आप हेरा फेरी भी बोल सकते हो, जिस काम में हम लोग बहुत एक्सपर्ट हैं। आओ समझाता हूँ पूरा माजरा क्या है। क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि एसिड सॉल्यूशन को ये लगे कि ये दोनों मेटल प्लेट अलग अलग धातु की बनी हुई है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? अरे बिल्कुल कर सकते हैं। मक्कारी, नालायकी, काम चोरी, आलस, इस सब में तो हम एक्सपर्ट हैं। अब देखो खुराफाती दिमाग का कमाल। इन दोनों लेड की प्लेट को सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन में डाल देते हैं और लगा देते हैं इनसे एक चार्जर, जैसा कि आपका इन्वर्टर। जब आप लेड की दो मेटल प्लेट को पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की सप्लाई देते हो तो ये पूरा प्रोसेस कहलाएगा चार्जिंग, जैसा कि हमारे घर में इस्तेमाल होने वाले इन्वर्टर करते हैं। यहाँ पर एक चीज जान लो, हम इलेक्ट्रिसिटी स्टोर नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम मेटल
मेटल प्लेट में इलेक्ट्रिसिटी की मदद से केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं और इस केमिकल रिएक्शन की वजह से आएंगे लेड की मेटल प्लेट में बदलाव। चार्जर से आने वाला करंट इन दोनों मेटल प्लेट के रूप में ला रहा है परिवर्तन। हाँ जी, आपने बिल्कुल ठीक सुना, मेटल प्लेट बिल्कुल सेम है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की मदद से की जाने वाली केमिकल रिएक्शन की वजह से ये अलग अलग धातु का रूप ले लेंगी। लो जी, शुरू हो गया ड्रामा। अगर आप ध्यान से देखो तो एक मेटल प्लेट का रंग ग्रे से ब्राउन हो गया है और वो बदल गई है लेड से लेड डाइऑक्साइड में, जिसे आम भाषा में लेड परोक्साइड भी बोलते हैं, और यही प्लेट बनेगी पॉजिटिव चार्ज प्लेट और दूसरी प्लेट अभी भी लेड की ही है, वो बनेगी नेगेटिव प्लेट। लो जी, बन गई दो अलग अलग धातु की प्लेट और अब बनेगी धड़ाधड़ बिजली। अब इस तरह से बनाई जाने वाली बैटरी को बार बार चार्ज और डिस्चार्ज किया जा सकता है। मैं अपनी बात को फिर से दोहराता हूँ, ये याद रखना कि बैटरी इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर नहीं करती बल्कि ऐसा करने का ड्रामा करती है। नखरे नाटक करने में इंसान ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारी चीजें एक्सपर्ट हो सकती हैं। साफ शब्दों में कहूँ तो एक स्टोरेज बैटरी एनर्जी को केमिकल फॉर्म में स्टोर करती है, जिससे वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में परिवर्तित होकर बाद में सप्लाई होती है, और ये काम बार बार और लगातार किया जा सकता है। चलो, अब आपने अपनी बैटरी चार्ज कर ली हो तो देख लेते हैं कैसे काम करती है। ये है वो जुगाड़ जिसमें एक डब्बे के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड भर के लेड की पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट डुबोकर, पूरा नहीं डुबोना है बस उतना जितने से काम चल जाए, और इन प्लेट से निकाल कर दो तार लगा दिए हैं बल्ब में। लो जी, जल गया अपना बल्ब और बन गई अपनी रिचार्जेबल बैटरी। अब जैसा कि आपको पता लग ही गया है कि बैटरी केमिकल रिएक्शन से करंट सप्लाई करती है, तो चलो उस केमिकल रिएक्शन को भी देख लो। तो जैसे ही बैटरी करंट की सप्लाई चालू करती है तो इस केमिकल रिएक्शन में लेड ऑक्साइड की पॉजिटिव प्लेट से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकल कर सल्फ्यूरिक एसिड में चला जाता है, और इसके साथ साथ सल्फ्यूरिक एसिड से सल्फेट का मॉलिक्यूल निकल कर लेड की प्लेट पर चला जाता है, यानी हो रही है अदला बदली ऑक्सीजन और सल्फेट मॉलिक्यूल की। और जैसे ही दोनों प्लेट लेड सल्फेट में बदल जाएंगी करंट की सप्लाई रुक जाएगी और अपना बल्ब भी बंद हो जाएगा। अब ऐसी स्थिति को हम कहेंगे कि बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है। चलो एक काम करते हैं, इस बल्ब की जगह पर लगा देते हैं एक चार्जर। अब लेड की प्लेट से सल्फेट मॉलिक्यूल निकल कर वापिस चला जाएगा हाइड्रोजन के पास, और पानी में से ऑक्सीजन निकल कर वापिस चला जाएगा लेड की पॉजिटिव प्लेट पर और वापिस चार्ज हो जाएगी अपनी बैटरी। तो इस तरह से काम करती है रिचार्जेबल बैटरी। बात करूं ड्राई रिचार्जेबल बैटरी की तो उनका वर्किंग प्रिंसिपल भी सेम ही है। केमिकल और मेटल प्लेट अलग हो सकती है लेकिन प्रिंसिपल ना बदलने वाला। ये तो थी सारी थ्योरेटिकल बातें, अब बारी है असली बैटरी पर हाथ साफ करने की। अगर मैं अपने ज्ञान के आधार पर घर में एक बैटरी बनाऊं और दूसरी बैटरी बाजार से खरीद के लाऊं तो दोनों से बराबर क्षमता के बल्ब को जलाने पर हमारे द्वारा घर में बनाई गई बैटरी का पत्ता जल्दी ही कट जाएगा, बोले तो फिनिश, लेकिन बाजार से खरीदी हुई बैटरी करेगी धड़ाधड़ काम। तो चलो इसका कारण भी जान लेते हैं। इसका मेन कारण है लेड की प्लेट। अब आप सोच रहे होंगे कि जब दोनों बैटरी में हमने सेम धातु का इस्तेमाल किया तो उनकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करने की क्षमता में इतना अंतर क्यों है। देखो, जो बैटरी मेरे द्वारा बनाई गई थी उसमें सिर्फ दो ही प्लेट थी, लेकिन जो बैटरी बाजार से हम खरीद के लाए हैं उसमें लगी हैं ऐसी बहुत सारी प्लेट, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत देर तक केमिकल रिएक्शन होगी, और ज्यादा देर तक केमिकल रिएक्शन होने की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी की सप्लाई भी ज्यादा देर तक मिलती रहेगी। अगर मैं अपने द्वारा बनाई गई बैटरी की पॉजिटिव प्लेट से लेड ऑक्साइड को रगड़ कर साफ कर दूं और उसकी मात्रा को बाजार से लाई गई बैटरी की पॉजिटिव प्लेट पर चढ़े हुए लेड ऑक्साइड से कंपेयर करूं तो हमारे द्वारा तैयार की गई लेड की प्लेट पर चढ़े हुए ऑक्साइड की मात्रा होगी बहुत कम। आइए जानते हैं बाजार से आने वाली लेड एसिड बैटरी की प्लेट कैसे तैयार की जाती है। इस जालीदार ढांचे को बोलते हैं लेड कास्टिंग, और इसमें लेड मेटल को भरकर उसकी प्लेट तैयार की जाती है। अब इस तरह की प्लेट बनाने से फायदा क्या हुआ, क्योंकि इस तरह की प्लेट में लेड ज्यादा ठोस नहीं है तो इलेक्ट्रोलाइट प्लेट के ज्यादा अंदर तक जाकर ज्यादा से ज्यादा लेड की मात्रा को लेड परऑक्साइड में परिवर्तित कर देता है, जिसकी वजह से होगी ज्यादा देर तक केमिकल रिएक्शन और मिलेगी लंबे समय तक बिजली की सप्लाई। अब बाजार से लाई गई बैटरी में ऐसी बहुत सारी प्लेट का एक साथ इस्तेमाल किया जाता है, जबकि हमारे द्वारा बनाई गई बैटरी में सिर्फ दो ही प्लेट का इस्तेमाल किया गया था। हमेशा याद रखिएगा, दुनिया की पहली बैटरी और आज की मॉडर्न बैटरी एक ही सिद्धांत पर काम करती हैं। अगर दो अलग अलग मेटल को इलेक्ट्रोलाइट में डाला जाए तो उनकी केमिकल रिएक्शन से पैदा होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो फिर कुछ साल बाद लेड एसिड बैटरी खराब कैसे हो जाती है? उनके खराब होने का कारण होता है सल्फेशन, जिसकी वजह से धीरे धीरे लेड की प्लेट पर लेड परऑक्साइड की मात्रा कम बनती है, यानी चार्ज स्टोर करने का एरिया घटता चला जाता है। अब भैया बैटरी तो है,
अमृत पी के थोड़ी आई है, तो एक उम्र के बाद वो खराब होगी ही होगी। अब इसी सिद्धांत पर हमने अटोमिक सबमरीन की बड़ी बड़ी बैटरी से लेकर गाइडेड मिसाइल में इस्तेमाल की जाने वाली छोटी बैटरीज तक बनाई है। अलग अलग रूप में आने वाली बैटरी का अलग अलग इस्तेमाल होता है, लेकिन सबका वर्किंग प्रिंसिपल सेम है। तो अब भैया वीडियो खत्म हो गई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।